खुशामदीद, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके, गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर हसबे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। 8:35 का वक्त हो चुका है और आज तारीख 29 सितंबर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत के साथ साथ अब हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाबता तौर पर आगाज़ करेंगे और आपको जल्दी से बताते चलेंगे कि आज के टाइप फॉर्मेट के हिसाब से जहां दो पड़ावों पर खबरें होंगी, तीसरे पड़ाव पर 9:45 के आसपास का वक्त होगा जब आप और हम गुफ्तगू करेंगे, फ़ोन लाइंस खुलेंगी, आप अपने मामलात मुश्किलात हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाएँगे। इधर इस नशरियात को आप कहाँ पर और देख सकते हैं, एक बड़ा सवाल ये भी रहता है और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि YouTube पर नहीं चल रहा है जी, तो आपके लिए बड़े बताते चले कि Facebook की दोनों पेजों पर लाइव नशरियात हमारी चल रही है, उसके साथ साथ YouTube पर अपलोडेड नशरियात रहती हैं जी। पूरे दिन हम खबरों को ब्रेकअप करके आपके सामने रखते हैं, लाइव नशरियात वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ब्रेकअप खबर आती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जिस मोहब्बत का इजहार आपने कू और ट्विटर पर हमारे साथ किया है, मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन लाइव नशरियात अगर आप चल रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, लाइव टीवी पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लाइव नशरियात देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप खबरें पढ़ेंगे भी और अपना तजिया भी भेजेंगे। कल कुछ दोस्तों की तरफ से, कुछ व्यूअर्स की तरफ से कुछ चीज़ें हम तक पहुँचाई गई थी जिसको हमने कल ही कोशिश की थी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलें, क्योंकि बड़ी अहम बातें थी और कुछ बातों को लेकर सरकार की तरफ से रद्दमल भी आया है। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में वो हम आपके सामने रखने की कोशिश भी करेंगे। तो ये मोहब्बत, ये प्यार जो है, ये आप हमारे साथ दीजिएगा और लाइव नशरियात के साथ साथ टीवी पर भी देखिएगा, 10 बजे तक इस प्रोग्राम को देखिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, इसलिए आपकी तनकीद हमारे लिए मशले राह रहती है। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है और माजी में जो कुछ हुआ है उसमें से चंद अहम तरीन वाकात लेकर आते हैं मेरे साथी गौहर कुछे दिल्ली स्टूडियो में, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 19 सितंबर है और आज आलमी या मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाकात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज 29 सितंबर साल 1941 में यूक्रेन में यहूदियों का कत्लेआम यानी कि 34,000 यहूदी खलाक हुए थे और साल 1941 में आज ही के दिन 29 सितंबर 1950 में बेल लेबॉरेटरीज ने टेलीफोन आंसरिंग मशीन ईजाद की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1980 में साबिक सदर पाकिस्तान के ज़ियाउल हक ने ईरान इराक के जंग रुकवाने के लिए ईरान इराक दौरा किया। और आज ही के दिन साल 1911 में 19 सितंबर 1911 में लीबिया पर कब्जा करने के ख्वामुलुक इटली और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग का आगाज हुआ, वो आज ही का दिन था और साल 1911। और आज ही के दिन साल 2008 में अमेरिका में माली बहरान पैदा हो गया, साल 2008 में 29 सितंबर। और आज ही के दिन 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का क्याम अमल में लाया गया। और आज ही के दिन साल 1927 में अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान टेलीफोन सर्विस शुरू हुई। और आज ही के दिन 29 सितंबर साल 2000 में चीन की म्यूनो चौक कोयले के कान में 100 अफराद खलाक हुए, वो आज ही का दिन था जब 100 अफराद इस कोयले के कान में खलाक हुए थे। तो नाज़रीन, ये थी चंद अहम वाकात तारीख में आज के दिन के हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर किया। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आज की खबरों का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि उधमपुर में कल रात से क्या कुछ हो रहा है। कल रात देर गए आपको याद होगा कि तकरीबन 10:15 के बाद, 10:30 के बाद हमने एक खबर ब्रेक की थी और आपको बताया था कि उधमपुर के अंदर बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के पास जो गाड़ी खड़ी थी उसमें धमाका हुआ था और बाद में डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो है कि सिर्फ 8 से 9 घंटों के दौरान उधमपुर के अंदर बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं जी, और उन 2 धमाकों के अंदर अगरचि मौजाती तौर पर कोई जानी नुकसान अभी तक होने की कोई इत्तला नहीं है, पैसेंजर बसेस के अंदर यह धमाका हुआ था और उसके फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला धमाका हुआ था उसमें ड्राइवर जख्मी होने की इत्तला आई है जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ये रात की तस्वीरें हैं और आज दिन की तस्वीर, आज सुबह की भी तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाएंगे। पहला ब्लास्ट जो हुआ था वो रात को तकरीबन
10:30 के आसपास हुआ था। एक गाड़ी जो पार्क हुई थी जी पेट्रोल पंप के पास, वहां पर उसमें धमाका हुआ और सीसीटीवी फुटेज ने वो सारी तस्वीर कैद की है। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा धमाका हुआ जी, वो भी पैसेंजर बस के अंदर हुआ और उधमपुर बस स्टैंड के अंदर ये धमाका हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में यहां पर धमाका होना जी इस गाड़ी में। और इसमें दो धमाकों में कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है, सिर्फ इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि ड्राइवर और कंडक्टर एक गाड़ी के अंदर थे जो जुजवी तौर पर जख्मी हुए हैं और जख्मियों को जहां फर्स्ट एड इंजरी के लिए वहां मकामी अस्पताल लाया गया था, जहां पर उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इन दोनों धमाकों के बाद एंटायर जम्मू रेंज के अंदर जो है वो सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। DIG उधमपुर रेंज जो है वो कल रात देर गए ही मौके पर आ चुके थे और सूरत हाल का जायजा उन्होंने लिया था। और उसके बाद आज सुबह जब धमाका हुआ तो उसके फौरन बाद DIG जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि तमाम मामलात पर गहरी नजर रखी जा रही है और सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। सुबह सिक्योरिटी एजेंसीज के जिम्मेदार जब यह धमाका गाड़ी के अंदर हुआ, खाली गाड़ी के अंदर हुआ, उनका क्या कुछ कहना है पहले जरा इसको सुनते हैं और जो माहिरीन है वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर भी हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। सवारी को हम बैठे नहीं दे रहे जब तक कि हम पूरी बसेस को चेक ना कर लें, बस जो है देखना नहीं कि कोई ऐसी कोई दोबारा से कोई ऐसी चीज सुना नहीं होता। सर सुबह कितने बजे लगभग ये धमाका हुआ? दो धमाके लगातार इस तरह से हो रहे हैं, क्या मानते हैं आपकी चंद घंटों में दो धमाके किस तरह से देख रहे हो? देखिए मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी बताई है कि 10:30 बजे रात को सिमिलर काइंड ऑफ लास्ट 6 बजे के करीब हुआ। तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम सारी जुड़ी हुई है, हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरी टीम के कहते हैं किसने कहीं हॉस्पिटल कंक्लूजन पहुंचे। देखा जा रहा है कि एक ही रूट की बसेज जो है उनको निशाना लगाया है, नहीं हम इसमें ये नहीं कह सकते। हाँ जो सिमिलैरिटीज हैं इसमें रात को जो हुआ था वो बसंतगढ़ रामनगर की रूट पर बच जाती है और ये भी आज भी जो भी इस वक्त हुआ है ये भी रामनगर की है। तो हम जो है इसमें ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रूट को ही चेक कर रहे हैं, हम हर रूट की बसेज को चेक कर रहे हैं बिकॉज टोटलिटी में जो है सेफ्टी जो है वो हमारी जो है सभी के लिए जो हमारा कंसर्न है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या अलर्ट जारी किया गया है? अलर्ट इसमें मैंने आपको अलर्ट बताया, मैंने आपके माध्यम से बताया कि कोई भी अगर कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध हालत में किसी को आप देखते हैं तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे थाने का नंबर भी हाथ में डिस्प्ले है, उसका नंबर भी है, हमारे ऑफिसर्स भी हैं उनके नंबर भी आप डिस्प्ले है। इसी तरह की भी वस्तु को जो है वो ऐसे टच मत कीजिएगा और किसी भी गैर आदमी से जो है अनजाने आदमी से कोई सामान वगैरह कोई ना दें। जारी कर दिया गया है और जो जख्मी कल हुए थे कंडक्टर सुनील सिंह जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, वलद जेतुराम ये रामनगर का रहने वाला है और उनका दोस्त विजय कुमार 40 साल, वलद उमर प्रकाश ये कल जख्मी हुए थे और ये जख्मों की जो है वो जनाब वो बेहतर सूरत हाल है इनकी, यानी आउट ऑफ डेंजर इन्हें बताया गया है। लेकिन आज सुबह जो धमाका हुआ है उसके बाद एंटायर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हुआ है। उधमपुर याद रखिएगा, इससे पहले भी उधमपुर के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं? कहने पैदर पर जो है दो धमाके हुए हैं जी 8 घंटों के दौरान उधमपुर के अंदर। इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाए। एक तो नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा चहल पहल जो वो एंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर है, स्पेशली इन एरियाज के अंदर है जो माता वैष्णो देवी की ओर जाते हैं, अब इस पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। और दूसरा ये जो नेशनल हाईवे है, क्या मिलिटेंटों की तरफ से एक बार फिर ये अलर्ट दिया गया है कि वो नेशनल हाईवे को किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं? एक ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां देख रही है, क्या ये स्टिकी बॉम्ब है या कुछ और था? तो पुलिस इसको मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त जो है वो देख रही है और इन्वेस्टिगेशन पार्ट को जो है वो शुरू कर दिया गया है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे किशोर के पास जो कल रात से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रात को भी क्या कुछ हुआ था और आज सुबह भी। किशोर, कल रात को भी आप जाए वारदात पर पहुंचे थे जब धमाका हुआ था और फिर वो सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें जो वो सामने आई है। सुबह आपने दोबारा खबर ब्रेक की कि जनाब एक और धमाका हुआ है और इलाका वही है, बस स्टैंड का इलाका है और उधमपुर के अंदर यह हुआ है। इस वक्त ताजा तरीन खबर क्या कुछ है? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों के आने जाने की कोई खबर आ रही है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कुछ कह रही हैं? उधमपुर शहर में ब्लास्ट हुए हैं, इस वक्त बस स्टैंड के अंदर हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएं। यही तो बस की
जिसमें रात 6 बजे के करीब ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना जोर का था आस पास के साथ। ये जो बस आप देख रही है सुबह जो है रामनगर के लिए पहली बस जानी थी और देखिए ये आप ड्रोन डीओ से इस वक्त की तस्वीरें देख रही हैं। ब्लास्ट उसी तरह का था जहां रात के 10:30 बजे के करीब जो है किसी की गमलेट के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसी तरह का ये ब्लास्ट है। लेकिन गनीमत ये रही इसमें अभी जो है वो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन लग तक यहाँ पे छोटी यूनिट यहाँ पे मौके पर पहुंची और पूरी तरह से एरिया को है वो साफी तक अपील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आपको मैं ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा लेकिन ये बस देखिए जो थी और किसी सुबह जो है ये रामनगर के लिए पहली बस जारी थी और उसको लोगों का सबसे बड़ा बस स्टैंड यानी कि मुख्य बस स्टैंड कहा जाता है। यहाँ से मैदान में यहाँ से जो लोगों से रूल की ना बात करूँ मना बैठू अच्छा किशोर किशोर आपको मैं रोक रहा हूँ जी, पहले ये बताइए कि आपके बैकग्राउंड में नाराबाजी भी चल रही है, ये किस तरीके की नाराबाजी है, कौन लोग हैं जो ये एहतजाज कर रहे हैं, किस चीज पर एहतजाज हो रहा है? बैक टू बैक दो ब्लास्ट जो है जिन परिस्थितियों में हमपुर शहर के अंदर हुए हैं और लोगों ने जो है वो एहतजाज जताना शुरू कर दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। जी सर ये प्रदर्शन किया जा रहा है क्या हाल? कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको अपनी अपनी जो अपना जो भी कार्यकारी उनको अपनी टाइट करनी पड़ेगी ताकि जो इस तरह के हादसे हैं वो ना हो। कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में एक फ्लैट है, हमारा शहर जो उधमपुर शहर एक बिल्कुल पीसफुल शहर था, आज तक यहाँ पे कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी। ये काफी अचंभे की बात है कि ऐसे पीसफुल शहरों में भी ऐसे मामला शुरू हो जाएंगे तो शहरवासी क्या करेंगे? बिल्कुल देखिए साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए उत्तरपुर में बड़ी आपको यहाँ पे और भाव सारी जो है वो टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची है और पूरी तरह से इस एरिया को लेकिन यहाँ पे मंगाना जा रहा है इसके साथ ये जो है वो पास जुड़े हुए हैं उसी के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन बॉम्ब स्क्वाड की भी टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची है। दोस्तों मैं आपको बड़ी बात इसमें ये दिखा दूँ की सैयारों की तादाद में इसी तरह से जो है वो बस स्टैंड के अंदर जो है ये तस्वीरें जो हैं ये जी बराह रास्त आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको जरा ठीक कर दीजिएगा जल्दी से। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उधमपुर के अंदर बैक टू बैक 8 घंटे के अंदर 2 धमाके हुए हैं, पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर FIR जो है वो दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन पार्ट को जो है वो तेज़ कर दिया गया है। खुफिया इदारे लगातार इस पूरे मामले को काफ़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का जो बयान सामने आया उनका मानना है कि हर एंगल से इस पूरे सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है और हर एंगल पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इधर खबर ये भी है कि जब ये धमाके हुए हैं तो आम लोग के अंदर भी गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और आम लोग जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो का रिव्यू किया जाए और देखा जाए जी जनाब कि क्या कुछ यहां पर हुआ है। ये बताइएगा अभी जो रूटीन सर्विसेज हैं इस बस अड्डे से क्या उन्हें अलाउ किया गया है और जब ये गाड़ी रात को आई थी तो कहीं पर क्या CCTV या कुछ और चीज़ें देखने को मिली है या रूटीन में गाड़ी यहाँ पर थी और अचानक से धमाका हुआ, क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल देखिए दोस्त साहब अगर बात करें 10:30 बजे के करीब जहाँ पे CCTV दमेल पे जो ब्लास्ट रात के समय हुआ था वहाँ पे CCTV कैमरे को खंगाला गया था। लेकिन मैं बड़ी बात ये बता दूं कि ये वो बस स्टैंड है यहाँ से लोकल रूट की मैं बात करूं, पहले भी मैंने आपको बताया कटरा माता वैष्णो देवी जो गांव की जाने वाली जितनी भी बसें हैं यहाँ से जाती हैं, ये सुबह सुबह जो बस थी ये रामनगर बसंतगढ़ के लिए जानी थी। लेकिन जो CCTV रोड जो दमेल के अंदर जो ब्लास्ट रात के समय हुआ था तो वो भी जो थी लोकल रूट की बसंतगढ़ को के तरफ के लिए जो है वो सुबह जानी थी। लेकिन अभी आप देखिए इस एरिया को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, हजारों की तादाद में इस वक्त भी देखिए यहाँ पे वो बसें लगी हैं और जो हमारे बॉम्ब स्क्वाड की अलग अलग डंप स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुंचा है और इस एरिया को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। क्या कोई एडवाइजरी जारी कर दी गई है ड्राइवर्स के लिए कि जब वो आए गाड़ी खाली हो उसके बाद चेक किया जाए कि कोई मुश्तबे चीज तो नहीं है, किस तरीके की कोई एडवाइजरी ड्राइवर्स के लिए? बस स्टैंड की बात करें तो सुबह से जाते ये 6 बजे के करीब जो स्लिप पर सीटों में ब्लास्ट होता है
उसके पास किसी भी जो है वो बस को यहाँ से आने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे लोगों की तरफ से एहतियात जताया जा रहा है, नारेबाजी जहाँ पे की जा रही है, कुछ लोग हैं इनसे हम सीधा बात कर रहे हैं। जी सर, एहतियात जताया जा रहा है? बिल्कुल एतराज है, रात को बंदोबस्त हुआ और अभी सुबह फिर 5:30 बजे से बंदोबस्त हुआ। ये हो गया है, कहा है पुलिस प्रशासन, कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से अगर हम लोग की जाएगी तो हमारी भी जिंदगी, हमारे समाज की समस्या दौड़ने लगेगी। जिस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये शहर कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इस तरीके से हो जाना, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है। ये आतंकवादी जो है उनका उनका जो है मंशा जो है क्लियर नहीं है। उधमपुर पीसफुल स्टेशन जहाँ पर आर्मी का इतना बड़ा बेस है, सीआरपीजी एसएफ आईटीबीपी हर एक का इतने बड़े बड़े बेस है यहाँ पे, और चारों तरफ से उधमपुर शहर जो है वो आर्मी और सीआरपीजी एसएफ से गिरा हुआ है, उसके बावजूद इस तरीके के ब्लास्ट होना जो एक चिंता का विषय है। हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, हम ये पूछना चाहते हैं हमारे यहाँ के डीआईजी से, एसएसपी साहब से, डीसी मैडम से, कि हमारी सुरक्षा का क्या प्रबंध है। हम लोगों की सुरक्षा आज पूरा शहर जो है वो दहशत में है। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स अपडेट करने के लिए। वहां से ही आप देख रहे थे कि किस तरीके का एहतजाज वहां पर चल रहा है और दोनों तस्वीरें आपके सामने, रात की भी आज की भी, सिक्योरिटी अलर्ट पर है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और अब ये माना जा रहा कि जनाब बाजाबता तौर पर देखा जाएगा कि आखिर ये धमाका क्या था, क्योंकि कल रात से अभी तक एजेंसियां पूरा इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले पर कर रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जहां उधमपुर की आपके सामने रख दी, जरा पूंछ की भी हाल अहवाल से आपको बाखबर करें। एक जगह पर धमाका हुआ और दूसरी जगह पर मुश्तबे शैल लेकर खातून को गिरफ्तार किया गया है। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे सरहदी जिला पहुंच की, जहां पर एक खातून को मुश्तबे शाही के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये कल जो पूंछ के अंदर परेड ग्राउंड पूंछ है वहां से उसके नजदीक ही एक खातून को गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ साथ ही एक मोहम्मद रियाज नामी एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन दोनों को की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर इस खातून जो कि कस्बा पूंछ की रहने वाली है, जिनका नाम जातून अख्तर है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और बताया जाता है कि मुश्तबा शाही के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके साथ साथ ही एक और शख्स को जिनका नाम मोहम्मद रियाज है, उन्हें भी जो कहा जा रहा है कि 4 KG ID के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इसमें पुलिस ने केस दर्ज करके इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दिया है। इन्हें भी पूंछ परेड ग्राउंड के नज़दीक ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आपको बताते चलिए, लगातार सरहदी अजला के अंदर जिस तरह से इन अफराद की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक खातून भी शामिल है, और माना जाता है कि आईडी जहां पर 4 KG ID के साथ साथ एक खातून को मुश्तबे शाही के साथ गिरफ्तार किया, एक बड़े हादसे को टाल दिया है। यह पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि एक बड़े हादसे को टाल दिया गया, जिस दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। बात सिक्योरिटी एजेंसीज की हो रही है तो जरा आपको एक और बात भी बताते चले, जो एक बड़ा बयान दिया गया है और ये दूसरी और अहम बड़ी खबर जो है वो फौज की तरफ से जारी कर दी गई है। और फौज के 15वीं कोर के कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है, जिस दौरान मिलिटेंसी के खिलाफ लोगों की हिमायत हासिल होने से तशद्दुद के ग्राफ में नुमाया कमी आई है। यानी मिलिटेंसी के खिलाफ लोग अब सफारा हो रहे हैं, यही वजह है कि जना मिलिटेंसी का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। सरहद पर दरअंदाजी, मंशियात और हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए मजबूत ग्रिड को कायम किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मंजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और नौजवानों को बुनियाद परस्ती से रोकने के लिए हमें इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर चलना होगा, फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती है। 15वीं कोर के सरबरा का बड़ा बयान आया है कि नौजवानों को बुनियाद परस्ती से रोकने के लिए हमें इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर चलना होगा, और सरहद पर दरअंदाजी, मंशियात और हथियार की सप्लाई रोकने के लिए मजबूत ग्रिड को कायम किया गया है। लेफ्टिनेंट ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उनका एक और बयान, इसी बयान के अंदर एक और बयान ये भी है कि जनाब जिन लड़कों के पास हथियार है, यानी नौजवान जो मकामी है और हथियार उनके हाथ में है, वो सरेंडर करें, कौमी दायरे में आकर अपनी जिंदगियां बसर करें। इस सिलसिले में भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं और कई बार कोशिशें बारावर और समरावर भी साबित हुई है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया अभी भी एक बड़ा मामला बना हुआ है और सोशल मीडिया के हवाले से कई अकाउंट होल्डर्स के साथ काउंसलिंग की गई, उन्हें रोका गया इससे। ताहम आर्मी,
पुलिस और दीगर एजेंसियां एक दूसरे के साथ ताउन में है, जहां जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां नौजवानों के साथ मिलकर उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तहम उन्होंने साफ कर दिया कि मुस्तकबिल करीब में अब इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जाएंगे अगर सोशल मीडिया का अकाउंट का कहीं पर भी गलत इस्तेमाल देखते हुए मिला है। यानी सोशल मीडिया को एक थ्रेट, एक चैलेंज अभी भी माना गया। मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग कम से कम हो, ग्रिड को अलर्ट पर कर दिया गया है और मजहबी पेशवाओं और इंतजामिया के साथ मिलकर बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए, रोकने के लिए काम अब मिलकर जो है वो किया जाएगा। ये एक बात बताई है जी लेफ्टिनेंट जनरल मनजीत सिंह का बड़ा बयान उस वक्त सामने आया है जब एक के बाद एक कामयाबी फौज को मिल रही है। लगातार एनकाउंटर्स के अंदर 100 के करीब ज्यादा मिलिटेंट जो मारे गए हैं। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं और इस बीच दाखिला वजीर का बयान भी है, दाखिला वजीर का दौरा भी जम्मू कश्मीर का है और उससे पहले 15वीं कौर के लेफ्टिनेंट जनरल साहब का बयान एक बड़ा बयान माना जा रहा है जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल के हवाले से। ये तो थी जनाब सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जरा गुफ्तगू। अब आते हैं जी आगे बढ़ते हैं एक बड़ी और अहम खबर की ओर, और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला और बड़ा कदम सामने आया है। एक और कदम आगे बढ़ाने की बात कही गई है और अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीमों के खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कर दिया गया है। महकमा खजाना के साथ मिलकर एक ऑर्डर फाइनेंस कमिश्नर की तरफ से जारी कर दिया गया है जिसके तहत अब प्रॉपर्टियां भी सीज होंगी उन लोगों की जो जिन्होंने अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीमें बैंकों के अंदर कर दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से जहां नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाबंदी आयद कर दी गई है अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम साल 2022 के कानून को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। और इस कानून के इतलाक के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जहां कई इख्तियारात हासिल है वहीं पर कोर्ट्स को क्या इख्तियारात होंगे उसमें भी एक बड़ी वजाहत है और कंपिटेंट अथॉरिटियां या थर्ड पार्टी ऑडिट के हवाले से भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब आगे बढ़ सकती है। यानी वो मामला जिसको लेकर पिछले कई हफ्तों से चिमेगोइयां चल रही थी कि इस तरीके का हुक्मनामा आ सकता है, उस हुक्मनामे की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। फाइनेंशियल कमिश्नर जो है उनकी तरफ से, फाइनेंस कमिश्नर की तरफ से जो है वो ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। विवेक भारद्वाज साहब ने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर है उन्होंने आज खुद इस ऑर्डर को जारी कर दिया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हांजोरी इस मजीद खबर पर जरा गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ये बड़ा ऑर्डर है क्या, इसके असबाब क्या हैं और इससे क्या फायदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल ज्वाइन करने के लिए। यह जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, मोटे मोटे अल्फाज में बताइएगा कि किन लोगों के लिए एक अलार्म बेल बज चुका है और किस तरीके के इख्तियारात रियासती इंतजामिया को मिले हैं। बिल्कुल गौहर, चूंकि ये जो बिल है जिसे अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम रूल्स का नाम दिया गया है, दरअसल ये साल 2019 के अंदर मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर इसे पास किया गया है दोनों आईबानों के अंदर, जिसे हिज्ब इख्तलाफ और हिज्ब इक्तदार के दोनों लोगों ने, दोनों तरफेन से इसकी जो है उस वक्त पजीराई हुई है, क्योंकि इस एक्ट को या इस रूल को इस वजह से भी काफी अहम करार दिया गया है क्योंकि जो लोग फ्रॉडलेंट है इस एतबार से जिन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो या नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स हो, और उनके अंदर से या उनके तहत जिन्होंने लोन हासिल किए हों और उसके बाद जो अदायगी शर्त उसके थे उसको पूरा ना करते हुए जो बेसिक अमाउंट है उससे उसकी अदायगी नहीं की है, ये दरअसल उन्हीं के लिए है। और इस हवाले से उन लोगों के जो फ्रॉडलेंट है उनके असासे, उनकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से अब जो है सीज किया जाएगा, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी में लिया जाएगा, और उसके लिए जो पहले कानून थे उनमें अमेंडमेंट्स लाई गई थी और उन कानून के तहत अब सरकार के लिए ये इजी हो गया है कि वो ऐसे लोगों के एसेट्स जो है अब उन पर जो है सीज करें। तो इस तरह से जब मरकज के अंदर ये कानून बनाए गए थे तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू किया जा चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जनत से अब से नोटिफाई किया गया है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि इस हवाले से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जनत से ये ऑर्डर भी जारी हुआ है और इस हवाले से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी
उन्हें ये हक होगा कि वो एनालाइज करें और देखें कि अगर कोई डिफॉल्टर हुआ है लोन की अदायगी में, चाहे वो जिस नजियत का भी लोन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के तहत वो लोन लिया गया हो या किसी भी तरह का लोन लिया गया हो, चाहे उस लोन की अदायगी में किस तरह की शराइत रखे गए हों, बाहर सूरत में अगर वो बेसिक अमाउंट को, कम अज कम बेसिक अमाउंट को अदा करने में नाकाम हुआ हो तो उनकी प्रॉपर्टीज को बाजब्त तौर पर अब सीज किया जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए जो जनाब ये नया कानून का इतलाक हुआ है ये किन लोगों के लिए है और इससे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक शायद इस तरीके का अमल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था, लेकिन अब अगर आपने भी बैंक का कर्जा वर्जा लिया है तो देख लीजिएगा कि इस कानून के आने के बाद क्या आप पर कोई गाज तो नहीं गिरेगी और आप कोई इस लिस्ट के अंदर तो नहीं आ रहे हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा इस कानून को भी, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी राबता साइट जो ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है उस पर इस पूरे कानून को रख दें और सरकार की नोटिफिकेशन को भी थोड़ी देर में वहाँ पर अपलोड ज़रूर किया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने जहाँ एक तरफ से अपना कर्जा लेने की तो बात कही है, दूसरी तरफ से हवाला मनी पर किस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, फिर आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से अब कौमी शाहरा पर नितिन गडकरी साहब मेहरबान हुए हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। मजीद कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि तालीम के शोबे में स्पेशल चिल्ड्रंस का क्या हाल है और जनाब करप्शन के खिलाफ या अपने ड्रग्स के खिलाफ किस तरीके की मुहिम छेड़ी गई और कितने लोगों की गिरफ्तारियों में तफसीलात के साथ। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद बैक टू बैक सभी खबरों पर बात करेंगे।